सो हमने खरीदी है अमेजोन से ये मोटो वोल्ट की बाइक जो मात्र 8.5 रुपए के अंदर 120 किलोमीटर की रेंज देती है। यस गाइस 8.5 रुपए यानी कि जो 400 इसके पैसे लगते हैं, 7 पैसा पर किलोमीटर चलती है ये बाइक, 7 पैसा पर किलोमीटर के हिसाब से 8.5 रुपए ऑलमोस्ट 8.5 रुपए में 120 किलोमीटर चलती है। पूरे फीचर्स देखेंगे वीडियो में, जरूर बने रखना। चलिए शुरू करते हैं। तो अब बाइक के सीधे मोटर से स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर आती है हब मोटर। हब मोटर यानी हम उसे इन व्हील मोटर भी कह सकते हो, या फिर जो मोटर सेंट्रल मोटर भी कह सकते हो आप। 36 वोल्ट की 250 वाट वाली मोटर आती है जो कि पेडल असिस्ट के साथ चलती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पेडल नहीं मारोगे तो मोटर नहीं चलेगी, मोटर पे बेशक चलेगी, मगर आप जब पेडल असिस्ट इसको करोगे तब ये अप टू 120 किलोमीटर तक आपको पूरा पूरा रेंज निकाल कर देगी। सिर्फ मोटर के ऊपर चलाओगे तो उसका रेंज बेशक कम होना है। अब बात करते हैं इसकी बैटरी कैपेसिटी की। तो बैटरी कैपेसिटी 20 एम्पीयर्स पर आर के हिसाब से है, जो कि काफी अच्छी है। इसी वजह से ये बाइक काफी अच्छा रेंज हमें निकाल के देती है। पेडल असिस्ट के साथ में चलाओगे तो आपको बेशक पेडल मारने में भी कम दिक्कत होगी और मोटर भी काफी अच्छे से आपको रिस्पॉन्स करेगी। अब बात करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, 20 इंच की व्हील्स है। इसके अंदर आगे पीछे डिस्क ब्रेक है। पूरा एक वॉक अराउंड करते हैं और सीधा राइड की तरफ शिफ्ट होंगे फिर। चलिए और सीधे फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट में देखने के लिए आपको मिल जाएगा बाइक के अंदर एक LED हेडलैम्प, जो कि आई डोंट नो कितना आपको सेटिस्फाई कर पाएगा नाइट के वक्त में, पर डिसेंट है। मैंने देखा हो नाइट के अंदर, मतलब चला कर देखा हो तो काफी अच्छा लाइट है इसका, कोई इशू की बात नहीं है। विजिबिलिटी काफी अच्छी रहेंगी। सबसे अच्छी बात यानी फ्रंट में हमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, जिससे कि बाइक की स्टेबिलिटी काफी हद तक काफी स्टेबल हो जाएंगी। बाइक के अंदर जो टायर आता है वो काफी ज्यादा वाइड है। वाइड होने के साथ साथ इसके ऊपर की जो ग्रिप है वो भी काफी अच्छी है, तो आप अच्छे से इसे चला पाओगे। उसके बाद में बाइक के अंदर आता है स्पोक व्हील, और फ्रंट में भी इसमें मिलता है डिस्क ब्रेक। 20 इंच का व्हील है, काफी ठीक ठाक व्हील कह सकते हो आप। अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल से। तो साइड प्रोफाइल में बाइक के अंदर जैसे कि आप देख सकते हो अर्बन, जो कि टॉप मॉडल है 120 का, लिंक मैं दे दूंगा आपको, जरूर देख लेना। इसके बाद में पेडल का एक पूरा ट्रेन आता है, चेन ट्रेन। उसके बाद में हम साइड से जाने के बाद में रिटर्न में जाते हैं, यानी बैक में जाते हैं, रिटर्न कह रहा हूं मैं भी। तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक यहाँ पे टेल लैंप, जिसके अंदर आप स्टार्ट करोगे तो इंडिकेटर इस तरह से ब्लिंक होता है लेफ्ट और राइट। फ्रंट में कोई इंडिकेटर नहीं है, लेफ्ट में यानी कि रियर में इंडिकेटर है। अब बात करते हैं बाइक के मोटर के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हब मोटर यहाँ पे बराबर बीचों बीच है। हब मोटर यानी सेंट्रल मोटर, आप समझ लो कि जो बीच में होती है इन व्हील में। उसके बाद में पीछे भी डिस्क ब्रेक है, जो कि काफी बढ़िया है, रोकने के लिए अच्छे से काम आएगी। उसके बाद में पीछे भी दोनों भी कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन है। बाइक के अंदर कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन मिलना काफी बढ़िया बात है। उसके बाद में साइड से भी यहाँ पे साइड स्टैंड और यहाँ पे पेडल। उसके बाद में आप जाते हैं इसके स्विचेस के और, सबसे पहले राइट साइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे है, मुझे बंद करने दो वरना चलित पड़ेंगी ये। इसके बाद में यहाँ पे एक्सेलरेटर इसका और ब्रेक। इसके बाद में यहाँ पे आने के बाद में आप देख सकते हो, अब मैं स्विच को करता हूँ चालू। यहाँ पे है एक्चुअली, ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा। यहाँ पे इस तरह से एरो दिया गया है कि जिससे हमें लगता है कि इसे गोल घुमाना है यानी टर्न करना है, बट एक्चुअली इट्स नॉट टर्न, इट्स पुश। आगे रख लो लोट, पीछे लोट, ऑफ ऑन ऑफ, इट्स नॉट टर्न, ठीक है। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पे टर्न इंडिकेटर, राइट के लिए, लेफ्ट के लिए ऑफ, और ये है इसका ऑन। ये सब कुछ चलेगा तभी जब आप इसका इलेक्ट्रिक मोड ऑन करोगे, प्रेस करके होल्ड करो और इसका इलेक्ट्रिक मोड ऑन हो जाएगा। इसके बाद ये हॉर्न देगा, ये इंडिकेटर। ओके, अब डिस्प्ले के अंदर क्या क्या चीज बताता है। तो असिस्ट जो करता है हमें पेडल के साथ में, वो कौन से लेवल पे रखना है। एल मतलब लो लेवल पे है, प्लस करोगे तो मीडियम लेवल पे आ जाएगा, और उसके बाद में आप एच करोगे यानी हाई लेवल पे आ जाएगा। 3 नंबर का इसका असिस्ट लेवल है, जिसमें आपको पेडल कम मारना पड़ेगा, मोटर ज्यादा वर्क करेगी आपकी। उसके बाद में यहाँ पे ओडोमीटर कितनी चल चुकी है अभी तक। ये बैटरी कैपेसिटी, यहाँ पे आपको किसी भी तरह का परसेंटेज नहीं मिलेगा नंबर में, आपको इसी के ऊपर से अंदाजा लगाना है कि आपकी बैटरी कितनी अभी बाकी है। 120 का इन्होंने क्लेम किया है, जो कि एक्चुअल देरी भी रही है, कभी खत्म नहीं होती इसकी बैटरी जल्दी से। यही था, फिर उसके बाद में अब बात करना चाहूंगा मैं इसकी हैंडल एडजस्टमेंट की। तो यहाँ से आप देख रहे हो एलन की है, एलन की को अगर आप लगाओगे तो इस हैंडल को आप नजदीक या दूर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर हाइट। 5 फुट 5 इंच से लेकर 6 फीट के हाइट तक का इंसान इसे आसानी चला सकता है। यहाँ पे एक हुक दिया गया है, कुछ वेट कैरी करना हो आपको तो। अब मैं इसके स्विच को बंद करता हूँ और आपको इसका पीछे का हिस्सा खोल कर दिखाता हूँ।
अब आपने इसे खोल दिया है। अब खोलने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो बैटरी पैक है ये पूरी तरह से रिमूवेबल है। आप इस तरह से इसे निकाल सकते हो। निकालने के बाद में आप देख सकते हो बैटरी पैक इस तरह से है, लिथियम आयन की बैटरी है। इसको निकालने के बाद यहाँ पे इसका चार्जर, मैं चार्जर का फोटो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जो कि इस तरह से चार्ज होता है। 4 आवर्स अप टू लगते हैं इसे चार्ज होने में, और 4 आवर में ये कम्प्लीटली चार्ज हो जाती है। बिठाना भी काफी सिंपल है और काफी लाइट वेट है बैटरी, ऐसा नहीं कि काफी हैवी है, कोई भी इसे आराम से हैंडल कर सकता है। यहाँ पे बस सॉकेट में इसे डाल दो और उसके बाद में इसे प्रेस कर दो, बस दैट्स इट। और ये हो गया है चार्ज के बाद में इंस्टॉल। इंस्टॉल होने के बाद में बस क्या प्रेस कर दो और ये लॉक हो जाएगा, यू आर रेडी टू गो। बस इतना ही सब कुछ था इस बाइक के ओवरव्यू के बारे में। अब सीधे बात करेंगे बाइक के राइड एक्सपीरियंस में। तो गाइस अभी इसका एक अच्छा सा टेस्ट राइड लेते हैं। देखो एक्चुअली ये यहाँ पे जो असिस्ट है आपको जो बताया था 1 2 3, तो ये थर्ड पे रखूंगा मैं, फर्स्ट सेकंड पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो असिस्ट बेशक कम करने वाला है। इसके टॉप पे कितना टॉप स्पीड जाएगा और किस तरह से ये मनूवर कर सकती है वो देखेंगे। अभी मैं फिलहाल सिर्फ एक्सेलरेटर पे चलूंगा, इसके पेडल का यूज़ बिल्कुल नहीं करूंगा, सिर्फ एक्सेलरेटर पे चलूंगा। देखते आगे काफ़ी अच्छी ढलान है तो किस तरह से चढ़ सकते हैं। पूरा थ्रॉटल दे दिया हो, ठीक है, अच्छे से फूट पा रही है। अब बस ये चढ़ान चढ़ सकती है नहीं वो देखते हैं। अरे बहुत बढ़िया, बिना बिना ये किए इसने अच्छे से ये कर दिया, क्या कहते हैं उसे, ढलान चढ़ लिया ये, बहुत बढ़िया। देखो पब्लिक रिएक्शन आप देख सकते हो जैसे कि बाइक के। एक बार मैंने नोटिस की गाइस इसके अंदर कि ये जो लेफ्ट साइड का ब्रेक है ये दबाने के बाद में आपका फ्रंट ब्रेक अप्लाई होता है, ये लेफ्ट दबाने के बाद में, और ये जो राइट साइड का ब्रेक है ये दबाने के बाद में आपका पीछे वाला ब्रेक अप्लाई होता है, जो कि अनफॉर्चुनेट है, मतलब पता नहीं मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है या फिर इसी तरह से दिया जाता है। तो अब बात करते हैं बाइक, हम अभी तक भी इसी में चला रहे हैं बाइक को, यानी कि एक्सेलरेटर पे, तो काफ़ी बढ़िया है ट्रैफिक के अंदर भाई। हॉर्न ना के बराबर ये इसे पूरा टोटल दे दिया हो, थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाले रास्तों से जानबूझकर लिया हो बाइक को, ताकि आपको पता लग सके कि बाइक कहाँ पे आप अच्छे से यूज़ कर पाओगे। तो यार बाइक का लेने के बाद का यही सबसे बड़ा मोटिव है कि आप इसको बहुत ही बढ़िया से छोटे रास्तों से निकाल पाओगे, ठीक है। अभी तक मैं एक्सेलरेटर पे ही चल रहा हूँ गाइस, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ। सस्पेंशन साइकिल की जैसे ही है, कुछ फर्क नहीं है। अब हम करेंगे इसे पेडल से अतिरिक्त और देखते हैं इसका टॉप स्पीड, अभी भी 26 के अराउंड है, बस पेडल से ओके पेडल अब यूज नहीं हो रहा है, देखो बस जब बाइक लोड पे होगी तभी पेडल का यूज़ आप कर पाओगे, अदरवाइज पेडल किसी काम के नहीं है। देखो क्योंकि बहुत ही ग्रीन जा रहा है और पेडल से थोड़ा भी थ्रॉटल नहीं मिल रहा है। अब हम चेक करेंगे कि पेडल का थ्रॉटल आप कब ले सकते हैं इसका, तो बाइक पूरी तरह से रोक गया। अब देखो पैदल इंगेज तो देखो हैवी जा रहे हैं, और मैंने दिया थोड़ा सा रेस, अच्छा पिकअप पक रहा है इसका, यस अब तो कटनी पे हम चले गए, और अब पैदल देखो पूरी तरह से डिस एंगेज हो चुकी है, काफ़ी बढ़िया। थोड़ा सा इसे मैं लेके चलता हूँ ऑफ रोडिंग की तरफ, देखते हैं किस तरह से ये परफॉर्म करती है ऑफ रोड में, ठीक है। तो ऑफ रोड के दिया हूँ, बिल्कुल बाइसिकल वाली फीलिंग है गाइस। मैं थोड़ा भी इसे अभी पेडल नहीं दूंगा, ठीक है, एक्चुअली ड्रिफ्ट हो रही है, देखो बिना पेडल दिए भी ये इतना स्टीप ढलान बिल्कुल प्यार से चढ़ गई भाई। मेरा वेट 70 kg है, वो काफ़ी अच्छे से लोड कैरी कर रही है। सबसे पहली बात, इसका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो अप टू 120 kg तक ही है। बाइक का खुद का वेट 40 kg के अराउंड है, जो कि मतलब बच्चे भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, मतलब छोटे बच्चों के ओर से भी, जो कि अच्छी बात है। अब हम उठते हैं इसे घुमा लेते हैं। एक्चुअली ये इशू ये हो रहा है कि लेफ्ट ब्रेक से पीछे वाले ब्रेक की आदत है, मैं दबा रहा हूँ तो आगे का लग रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है गाइस, ठीक है। तो हम फिर से चल रहे हैं, पेडल तो यूजलेस ही समझो इसका, अभी तो फिलहाल तो पेडल नहीं काम कर रहा, ठीक है। हम चले जा रहे। ए जाऊगा क्या? चल हर्षल, तो हम चले जा रहे। अब दोस्त मार्केट कर देना क्या सर। और गाइस फिर यहाँ से अब काफ़ी स्टीप ढलान है, मैं पूरी तरह से बाइक को रुका लेता हूँ, कम्प्लीटली स्टॉप,
देख रहे हो आप, जीरो हुआ। अब मैं इसे बिना पेडल दिए, बिना पेडल दिए इसको फुल रेस पे पकड़ा हो, क्या ये चढ़ सकती है, क्या ये चढ़ सकती है। नहीं गाइस नहीं चढ़, नहीं नहीं इट इज गोइंग, बट हम पेडल देंगे थोड़ा सा, उसे असिस्ट करते हैं मोटर को, इतना भी लोड देना सही बात नहीं है मोटर पर। और काफी आराम से फिर बाइक ने फिर से पकड़ लिया। इट इज अ फन बाइक गाइस, काफी फन बाइक है, मजा आ रहा है बाइक को चलाने में। ठीक है अब फिर से हम थोड़ा सा हीट वाले इलाके से इसको लेके चलते हैं कि आपको बता दें कि साइकिल आखिर कैसे चल सकती है। इलेक्ट्रिक बाइसिकल मतलब आप इसे रोजमर्रा की यूज में यूज कर सकते हो, अगर आपको जाना हो ऑफिस में भीड़ भाड़ वाला इलाका हो या स्कूल में बच्चों को जाना हो, दोनों तीनों तरफ से आप भी प्यार से जा सकती है जो कि अच्छी बात है। 25 दिन का इसका टॉप स्पीड है जो कि काफ़ी अच्छा है आई गेस, क्योंकि मुझे नहीं लगता बाइसाइकिल पे इससे ज़्यादा जाने की कोशिश भी करोगे या फिर उस मोटो से तो नहीं लोगे कि बाइक ज़्यादा भागनी चाहिए। 120 का रेंज काफ़ी ज़्यादा होता है गाइस, समझ रहे हो आप, इट्स प्रीटी मच हाई यू नो, बट काफ़ी अच्छा यहाँ पे पब्लिक रिएक्शन देखने को मिल रहा है क्योंकि बाइक भी अलग है। और कौन पागल बाइक के ऊपर हेलमेट लगा कर चलता है ये भी लोग देख रहे हैं। यानी कि बाइसिकल के ऊपर मुझे कहना था, ठीक है जो भी है भाई कर रहे हैं आप लोगों के लिए, हमारी खुशी के लिए देखते हैं। तो यही था बाइक का, आप समझ लो रिव्यू काफ़ी अच्छा है सिटी बाइक के लिए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों के लिए, टॉप स्पीड 25 to 30 के बीच में है बाइक की, लोड कैरी कैपेसिटी अच्छा है इसका जो कि बढ़िया चीज़ है। यही था फिर इस बाइक के बारे में, अब कंक्लूजन देखते हैं, इसके प्राइस के बारे में जानते हैं। तो कंक्लूजन में दो चीज़ें मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ये बाइक लेनी किसने चाहिए। सबसे पहले इस बाइक को उन्हीं लोगों ने कंसीडर करना चाहिए कि जो करना चाहते हैं एक्सरसाइज, पर थोड़ा सा थोड़ा सा असिस्टेंस चाहिए उनको बाइक के अंदर, काफ़ी दूर तक जाना हो तो, या फिर जिसका रोज़मर्रा का ऑफिस काफ़ी नज़दीक है, काफ़ी नज़दीक से आई मीन कि 3 किलोमीटर्स है 2 किलोमीटर्स है, तो वो लोग इस बाइक को प्रेफर कर सकते हैं। 40,000 के अराउंड इस बाइक का प्राइस आता है, काफ़ी बढ़िया लगी। बस इस ब्रेक का थोड़ा सा कन्फ्यूजन, मैं अभी तक भी सोच रहा हूँ कि ये कन्फ्यूजन कैसे हुआ, मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट कह सकते हैं इसे या ऐसी मिलती है, आई डोंट नो। आप अगर इस बाइक को परचेस कर रहे हो, आपकी बाइक भी ऐसी आ रही है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना। बाइक काफ़ी प्यारी है, 25 किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से सिटी राइड के लिए काफ़ी बढ़िया बाइक है, ज़रूर कंसीडर कर सकते हो। कैसी लगी बाइक ज़रूर बताना, अलग सा कंटेंट है, ऐसे अलग अलग कंटेंट आते रहेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, भरपूर शेयर करना और लाइक तो कर ही देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। I know I could be everything she needs if she let me get on it. Yeah, so come here, baby.